फाइनली आर फर्स्ट सर्विस इज डन हिमालयन 450 का। फ्री सर्विस में कभी भी आपके लेबर चार्जेस नहीं लगते। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमालयन 450 का जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है वो कितना आता है। सुबह के 11:15 बज रहे हैं और अभी हम निकलने वाले हैं ब्लू रिज से जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे सर्विस सेंटर, अपनी बाइक को कलेक्ट करेंगे। आपको फिर मैं एक वॉक अराउंड दूंगा कि क्या क्या हुआ है बाइक में फर्स्ट सर्विस में, और उसके बाद हम निकलेंगे पुणे से मुंबई अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए पहुँचे सर्विस सेंटर। सो आई एम एट दी रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर राइट नाउ और सामने देखो अपनी हिमालयन 450 सर्विस रैंप पे लगी हुई है। मैंने पूछा क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता, तो मैंने कहा अलाउड नहीं है यहाँ पे, और शायद अगर मैं मुंबई में कराता तो मैं रिकॉर्ड कर पाता एंटायर सर्विस, बट यहाँ पे उन्होंने अलाउ नहीं करा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्विस हो रही है अपनी हिमालयन 450। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वो सामने लगी हुई है, ये हो रही है सर्विस अपने हिमालयन 450 की। ऑयल वॉल सब चेंज हो गया और अभी उन्होंने चेन भी एडजस्ट कर दिया है और बस ब्रेक्स एंड ऑल चेक कर रहे थे। बस अब वॉशिंग बाकी है और चेन क्लीनिंग एंड लूबिंग है वो बचा है, बस एक बार हो जाती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, और फिर आपको फाइनल बिल भी बताता हूँ कि कितना आया है फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट, जो कि फ्री सर्विस थी जिसके अंदर लेबर चार्जेस नहीं लगते। तो मैं आपको एक बार सर्विस हो जाए फिर बताता हूँ कि कितना कॉस्ट आया फर्स्ट सर्विस का, जो जो चीज़ें यूज़ हुई हैं बाइक में फर्स्ट सर्विस के लिए। ये देखो ये बैठ के बोर हो रहा है, क्या हुआ? जब तक गाड़ी हो रही रही तब तक बैठ के क्या कर रहे। तो आर हिमालयन 450 इज़ रेडी, सर्विस क्लीन लूप एवरीथिंग डन, नाउ इट्स टाइम टू लीव। सो जॉब कार्ड लेते हैं और पे करते हैं और फिर निकलते हैं। सो फाइनली आर फर्स्ट सर्विस इज़ डन हिमालयन 450 का। आई हैव द बिल एंड द गेट पास, तो अभी यहाँ से लेके निकलते हैं बाइक को और उसके बाद घर पहुँच के मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं अपने हिमालयन 450 में और बिल कितना है फर्स्ट सर्विस का। तो स्टे ट्यून्ड, पहुँचते घर पे और उसके बाद आपको मैं सारी अपडेट देता हूँ। सो आई एम बैक होम। तो अगर आपने वीडियो को स्टार्ट से देखा तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी जो हिमालयन 450 की सर्विस है वो पुणे में कराई, और उसका रीज़न ये था कि लॉन्ग वीकेंड था और सर्विस ड्यू था मेरा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सर्विस के लिए बाइक देता हूँ तो मैं लॉन्ग राइड नहीं लगा पाऊँगा ड्यूरिंग द वीकेंड, इसलिए मैंने सोचा कि मैं राइड कर लेता हूँ और रिटर्न होते टाइम मैं पुणे में ही सर्विस करा के फिर रिटर्न होऊंगा मुंबई के लिए। तो इसलिए मैंने पुणे में ही सर्विस कराई और पुणे में ही एक सर्विस सेंटर था, किंग्स रॉयल सर्विस सेंटर जो कि रॉयल एनफील्ड का ही था, वहाँ मैंने सर्विस कराई। और हालांकि उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए मुझे इतना परमिशन नहीं दिया, लेकिन जितना मुझसे हो पाया वो मैंने रिकॉर्ड किया, वो आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया। और अब मैं आपको बताता हूँ कि हिमालयन 450 का जो फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है वो कितना आता है। तो देखो जो फर्स्ट सर्विस होती है ना हिमालयन 450 की, वो नॉर्मली फ्री होती है, और फ्री सर्विस में कभी भी आपके लेबर चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें यूज़ होती हैं और जो कंज्यूमेबल्स होते हैं उसके चार्जेस आपके फर्स्ट सर्विस में लगते हैं। तो लेबर चार्जेस हटा के अगर देखा जाए तो मैं आपको बताऊँ बिल कितना आया, तो 1616 रुपये आए मेरे फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट हिमालयन 450 का। और अगर आप बाकी ब्लॉगर्स के भी वीडियो देखोगे, ठीक है, जो लोगों ने सर्विस कराई है उनका ये बिल अराउंड 1500 से 1800 के बीच में ही है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या सर्विस में होता है उनके बाइक्स के लिए। क्या क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट की सर्विस होती है फ्री सर्विस होती है, जिसके अंदर ऑयल चेंज होता है, ऑयल का फिल्टर चेंज होता है, और जो भी सर्विस के लिए कंज्यूमेबल्स लगते हैं वो यूज़ होते हैं। उसके अलावा चेन स्प्रे यूज़ होता है, ठीक है, चेन लूप करने के लिए टैपेट सेटिंग होती है, और उसके बाद अगर कोई नॉइस वॉइस आ रही है तो वो सही होती है। उसके बाद मेरे जो कुछ इश्यूज थे, ठीक है, जो कौन सेट से आवाज़ आ रही थी उसका
जो मिरर सेट करना था उसका, और नॉर्मल जनरल चेकअप्स होते हैं सारे सेंसर्स के एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फर्स्ट सर्विस में होती हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ों कितने कितने पैसे लगे। तो जो इंजन ऑयल यूज़ होता है हिमालयन 450 में, वो है सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल, जो कि 1071 रुपीज़ का लगा है फर्स्ट सर्विस में। उसके अलावा जो फर्स्ट सर्विस का जो किट होता है वो 250 रुपीज़ का होता है। तो ये दोनों के जो चार्जेस मिला के 1321 रुपये हो गए। कंज्यूमेबल चार्जेस लगाए हैं, कंज्यूमेबल चार्जेस एंड सर्विस जिसका 118 रुपये लिया है उन्होंने, और चेन लुब्रिकेशन और स्लैकनेस एडजस्टमेंट के लिए उन्होंने अराउंड 170 रुपये लिया है। तो ओवरऑल जो कॉस्ट आया हिमालयन 450 के सर्विस का वो 1616 रुपये है। और ये थी हमारी फर्स्ट सर्विस की वीडियो हिमालयन 450 की। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलूंगा आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।